हाँ फ्रेंड्स, न्यू वोटर लिस्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने वोटर लिस्ट नया जो 2024 का न्यू लिस्ट जारी हुआ है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। तो डाउनलोड जब करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए वोटर आईडी नंबर आ जाएगा, इसके बाद नाम आ जाएगा, आपका मकान संख्या कितना है, आपके पिता का नाम है, आयु कितना है आपका, और आपका जेंडर क्या है, यहाँ पे सब लिखा रहेगा। तो इस तरह से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट जैसे आप लिखेंगे, इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक रोल पे पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपने तहसील का नाम सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको शो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। शो पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपको ग्राम पंचायत अपना सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत नंबर नाम नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पे आप क्लिक करते जाएंगे, आपके गाँव का नाम जहाँ पे आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब सर्च कर लेंगे आपके गाँव का नाम आ जाए, तो आपको इलेक्ट्रिक रोल पीडीएफ यहाँ पे आपको चैप्टर यहाँ पे दो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका ग्राम पंचायत का नाम लिखा रहेगा यहाँ पे आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड मांग रहा है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है आपको सेम टू सेम कैप्चा कोड डालना है, इसके बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने गांव का नया वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक को देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।